गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कक्षा सात वाले ध्यान देंगे। आज हम लोग सच्ची तीर्थ यात्रा पाठ को पढ़ेंगे। आइए देखते हैं, पाठ परिचय पहले देख लेते हैं। क्या मानव की सेवा करना ही सच्चा धर्म है और इसी में जीवन की सार्थकता निहित है। जहाँ सात्विक विचार हमारे मन को शुद्ध करते हैं, वहीं ईर्ष्या और वैर भाव मन की शांति को भंग कर देते हैं। पूर्ण निष्ठा के साथ की गई निसहाय की सहायता हमें आत्मिक सुख प्रदान करती है। तो इस पाठ में एक पूरी निष्ठा के साथ एक व्यक्ति कुछ लोगों की सेवा करता है, उसी पाठ का इसमें वर्णन किया गया है। देखते हैं, किसी समय रूस के गांव में एफिम और एलिसा नाम के दो वृद्ध रहते थे। वे बड़े घनिष्ठ मित्र थे। एफिम गंभीर और विचारवान व्यक्ति था, एलिसा ना धनवान था और ना ही निर्धन। वह मधुमक्खियां पालकर अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। वह बड़ा दयालु और प्रसन्नचित्त व्यक्ति था। कौन? एलिसा। निर्धन, जिसके पास धन ना हो उसको क्या नहीं देता। और प्रसन्नचित्त, वह सदा खुश रहता था, हमेशा प्रसन्न रहता था। दोनों मित्रों ने बहुत पहले साथ साथ यरूशलम की तीर्थ यात्रा करने की प्रतिज्ञा की थी। यरूशलम यानी ईसाइयों का जो तीर्थ स्थान है उस यरूशलम। एलिसा तो सदा चलने को तैयार रहता था, परंतु एफिम को ही समय नहीं मिल पाता था। एक दिन एलिसा ने जोर देते हुए कहा, क्यों मित्र, हम अपनी प्रतिज्ञा कब पूरी करेंगे। एफिम का चेहरा उदास हो गया और बोला, अभी हमें प्रतीक्षा करनी होगी, मेरे पास यात्रा के लिए पैसे नहीं है। प्रतीक्षा माने क्या होता है? इंतजार। एलिसा हंसा और बोला, तुम्हारे पास मुझसे 10 गुना धन है और फिर भी तुम ऐसी बात करते हो। आत्मा की पवित्रता से बढ़कर और कुछ नहीं। अंत में एलिसा अपने मित्र को समझाने में सफल हो गया। एफिम ने अपने साथ बहुत सा धन लिया, एलिसा ने सिर्फ उतना ही लिया जितना आवश्यक। आवश्यक माने जरूरी। इसलिए उतना ही लिया जितना जरूरी था। एफिम ने अपने पुत्र को प्रत्येक कार्य के संबंध में निश्चित आदेश दिए। दूसरी ओर एलिसा ने घर के मामलों की ओर कोई ध्यान न दिया और प्रसन्नता से वह तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़ा। चलते चलते वृद्ध मित्र एक छोटे से गांव में पहुंचे। उस गांव में सूखे के कारण त्राहि त्राहि मची हुई थी। उस गांव में सूखा पड़ा हुआ था, लोग भूखे मर रहे थे। दोनों मित्र रात बिताने के लिए झोपड़ी की ओर चले। उन्हें झोपड़ी में से लोगों की चीख पुकार सुनाई दी। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, परंतु किसी ने नहीं सुना। एलिसा के धक्का देते ही दरवाज़ा खुल गया और अंदर घुसे। झोपड़ी का वातावरण बहुत ही दुर्गंधपूर्ण था और एक स्त्री भूमि पर मरणासन्न अवस्था में पड़ी थी। मरणासन्न माने मरने की स्थिति। एक स्त्री जो है एकदम मृत प्राय से मरणासन्न स्थिति में थी, मरने वाली ही थी। इसने पूछा, लोग कौन है, क्या चाहते हैं? हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। उसी समय एक बच्चा बोला, बाबा हम भूखे, हमें रोटी दो। तभी लड़खड़ाता हुआ एक मनुष्य आया, वही गिर पड़ा, बोला, रोग और भूखमरी ने हमें घेर रखा है, मेरा पुत्र भूख से मर रहा है।
एलिशा ने अपना थैला खोला और उनमें से रोटी का एक टुकड़ा लड़के की ओर बढ़ाया। लड़का रोटी के टुकड़े पर टूट पड़ा। उस स्त्री और पुरुष को भी उसने दो दो रोटियां खाने को दी। फिर उसने कुएं से पानी लाकर उन्हें पिलाया। ये फिर झोपड़ी के बाहर बैठा था। एलिशा ने उसे सारा हाल का सुनाया। फिर बोला, क्या हम इस गंदी झोपड़ी में ही रुकेंगे? ऐसा किया तो हम लोग भी बीमार हो जाएंगे और फिर हमें तो यरूशलम पहुँचना है। बेकार में समय नष्ट करना ठीक नहीं होगा। एलिशा ने उत्तर दिया, मित्र आप चले, मैं इन लोगों की ऐसी दशा में छोड़कर नहीं जा सकता। मुझे कुछ समय तक इन लोगों की सेवा करनी होगी। उसने कहा, आप चलिए, मैं इन लोगों की सेवा करने के बाद ही आऊंगा। ये फिर अकेला ही चल दिया। एलिशा ने सारी रात उस घर के तीनों प्राणियों की देखभाल की। सवेरा होते उसने घर की सफाई की, चूल्हा जलाकर भोजन पकाया, घर के लिए जो आवश्यक चीजें थी उन्हें खरीद कर लाया। एक दिन, दो दिन और फिर तीन दिन बीत गए। उसे समझ में नहीं आता कि क्या करे। एक रोज सोचता था कि मुझे जाना चाहिए, दूसरे उन लोगों की दशा देखकर उसका इधर भाग आता था। धीरे धीरे उनकी उसकी सेवा से तीनों प्राणियों में शक्ति आ रही थी। अतः एलिशा उन लोगों के साथ ही रुक गया। उसने उन लोगों के लिए दूध के लिए गाय और उनका खेत जोतने के लिए बैल खरीदा, साथ ही अगली फसल तक के लिए अनाज खरीद कर रख दिया। एक दिन एलिशा ने सुना कि बूढ़ी स्त्री अपने बेटे से कह रही थी कि बेटा, यह मनुष्य नहीं, कोई देवदूत है। देवदूत यानी ईश्वर का भेजा हुआ दूत। ऐसे भले मनुष्य संसार में अधिक नहीं है। एलिशा ने जब अपनी प्रशंसा के शब्द सुने, उसने सोचा कि मुझे यहाँ से अब चल देना चाहिए। अगले दिन वह चुपचाप चल पड़ा। उसके रुपए समाप्त हो चुके थे, अतः उसने यरूशलम जाने का विचार छोड़ दिया और घर की ओर चल पड़ा। उसका पैसा समाप्त हो गया तो उसने यरूशलम ना जा करके घर की तरफ चल दिया। घर पहुँचने पर उसके परिवार के लोग बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा, क्या आप यरूशलम हो आए? ये फिल्म कहाँ है? एलिशा ने उन लोगों को बताया कि ईश्वर की इच्छा नहीं थी कि मैं वहाँ जाऊँ। उधर एक फिल्म गाँव की झोपड़ी छोड़ने के बाद जितना शीघ्र हो सका यरूशलम की ओर चला। वहाँ पहुँचकर वह प्रार्थना करने के लिए गिरजाघर में गया। बड़ी भीड़ थी। उसे सदैव अपने धन की चिंता लगी रहती थी। प्रार्थना करते समय वह टटोल कर देख लेता कि भीड़ में कोई जेब तो ना काट ले। प्रार्थना में उसका मन नहीं लगा था। गिरजाघर के भीतरी भाग में 36 दीपक जल रहे थे। किसी भी तीर्थयात्री को वहाँ जाने की अनुमति नहीं थी, परंतु भीतरी भाग में दीपकों के प्रकाश के पीछे उसने एक ऐसा दृश्य देखा जिसे वह आश्चर्यचकित हो गया। वहाँ उसे एक वृद्ध पुरुष की झलक दिखाई दी। वह बिल्कुल एलिशा की तरह थी। जब वो देखा दीपकों के लव में, उसे वृद्ध पुरुष दिखाई दिया जो एकदम एलिशा जैसा था। ये फिर सोचने लगा, एलिशा कैसे हो सकता है, उसे तो पीछे छोड़ आया हूँ। परंतु जब उसने उसकी ओर देखा, उसे पूर्ण विश्वास हो गया कि वह एलिशा ही है। उसे अपने मित्र को देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। वह सोचने लगा कि यह एलिशा बड़ा भाग्यशाली है। उसके मन में आया कि अगले दिन मैं भी अपने मित्र की सहायता से गिरजाघर के भीतरी भाग में पहुँच सकूँगा। उसने सोचा कि मेरा मित्र जब अंदर चला गया तो इसकी सहायता से मैं भी अंदर चला जाऊँगा। ये भी बराबर एलिशा की ओर देखता रहा। जब प्रार्थना सभा समाप्त हुई तो भीड़ इधर उधर बढ़ने लगी। जेब को हाथ में दबा उसने भीड़ में आगे बढ़ना शुरू किया, परंतु बाहर आने पर उसे एलिशा कहीं दिखाई नहीं दिया। जब बाहर निकल के देखा तो एलिशा कहीं नहीं था। अगले दिन उसने गिरजाघर के भीतरी भाग में दीपकों के पास अपने मित्र एलिशा को पादरी की तरह हाथ फैलाए खड़े देखा। परंतु प्रार्थना समाप्त होने के बाद उस दिन भी वह अपने मित्र को ना पा सका। तीसरे दिन भी यही बात हुई। ये फिल्म यरूशलम में 3 सप्ताह रहा। वह प्रतिदिन गिरजाघर में जाता और वहाँ अपने मित्र को विशेष स्थान पर गंभीर मुद्रा में खड़ा देखता, परंतु इसके बाद उसका कहीं पता ना लगा। प्रतिदिन माने रोज। अब एफिम अपने घर की ओर चल दिया। रास्ते में वह उस झोपड़ी में पहुंचा जहां एलिशा रुका था। उसे दरवाजे पर बूढ़ी स्त्री दिखाई दी। वह बोली, आइए बाबा, हम सदा अपने यहाँ यात्रियों का स्वागत करते हैं। एक यात्री ने हमारे प्राणों की रक्षा की है।
ये फिर समझ गया कि स्त्री ने दिशा के विषय में बात कर रही है। उसके संबंध में पूछने पर स्त्री ने कहा, मैं नहीं जानती हूँ कौन था मनुष्य अथवा देवदूत, परमात्मा उसका भला करे, यदि वह ना आया होता तो हम सब मर गए होते। सवेरे वह अपने गांव को चल दिया। गांव में पहुंचकर उस सबसे पहले वह एलिशा के घर गया। एलिशा ने फिर को नमस्कार करते हुए कहा, आशा है कि आप यरूशलम की तीर्थ यात्रा सकुशल पूरी कर आए होंगे। ये भी बोला, मेरा शरीर तो वहाँ अवश्य पहुँच गया परंतु मेरी आत्मा वहाँ नहीं पहुँच सकी। इसमें पहुँची या नहीं पहुँची इसमें मुझे संदेह है। मुझे पूर्ण विश्वास है तुम्हारी आत्मा वहाँ अवश्य पहुँच गई। मैंने तुमको साक्षात गिरजाघर के भीतरी भाग में दीप माला के पीछे खड़े देखा। साक्षात माने प्रत्यक्ष, साकार दीपमाला यानी दीपों की पंक्ति। तुम ही सच्चे तीर्थयात्री और ईश्वर के प्रिय हो। मैं समझ गया हूँ कि मानव सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है और दीन दुखियों की सहायता ही सच्ची तीर्थ यात्रा है। तो चैप्टर आपका समाप्त होता है और इसे सगले भी धन्यवाद।